नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। प्रदेश में रात के कर्फ्यू का दौर फिर से लौट आया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने आज से पूरे सप्ताह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लाने का फैसला लिया है। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता ने गाजियाबाद के घंटा घर इलाके से जायजा लिया है, जहां कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी नियमों को नहीं मान रहे हैं। ऐसे बाकी सभी लोग जो परेशानी पर आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। 25 दिसंबर का दिन है, बड़ा दिन है और बड़ा त्योहार है, लेकिन क्योंकि यूपी में भी ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो पैर पसार रहा है और कोरोना के मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट करने का फैसला लिया गया। और 25 दिसंबर का ही वो दिन है जब से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके नियम क्या हैं, दिशा निर्देश क्या हैं, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, साथ ही साथ रियलिटी चेक भी कर रहे हैं कि शहर शहर लोग किस तरह से इन दिशा निर्देशों को मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं, सबसे व्यस्त इलाका है मेरे पीछे, आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये घंटाघर इलाका है और यहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं वो नियमों को लेकर कितने सजग हैं या नहीं हैं। सबसे पहले आपको एक नियम बता दें कि जो सभी तरह की सेलिब्रेशंस हैं उन पर रोक है, लेकिन साथ साथ मास्क लगाना जरूरी है। मगर लोग ऐसे दिख जाते हैं जो नियम नहीं मानते। साहब मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी लगा रहे जेम बस। आपने क्यों नहीं लगाया? लगा रहे लो। तो देखिए, जब पूछते हैं तब कहते हैं कि मास्क लगा रहे हैं, लेकिन निश्चित है ये बेहद जरूरी बात है। ऐसा नहीं है कि सब नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियम नहीं मान रहे। साहब मास्क क्यों नहीं लगाया? ध्यान नहीं था। चलिए, ध्यान नहीं दिया लेकिन लगाना चाहिए, हम यही कहेंगे। एक और रूल है, मास्क नहीं तो सामान नहीं, लेकिन जब सामान बेचने वाले ही नहीं मानेंगे तब क्या होगा? सामान बेचते हैं? नहीं जी, मैं तो बैठा हूं, किसी का वेट कर रहा। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क है अगर जेब में रखने के लिए नहीं है ना मेरे ख्याल से। आप पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग भी कर रहे हैं और फिर मास्क भी नहीं लगा रखा, तो जाहिर है ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि इस तरह की जो लापरवाही है वो ना सिर्फ आपको परेशानी में डाल सकती है बल्कि दूसरे लोगों को भी परेशानी में डाल सकती है। और सवाल यही है कि क्या लोग दोबारा से नाइट कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन भी लगवाना चाहते हैं? क्या करते हैं आप? एसेसरीज का काम करते हैं। अच्छा, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क एक्चुअली में लाया नहीं जल्दी जल्दी में। पता है नाइट कर्फ्यू लग चुका है? नहीं, एक्चुअली दोबारा चाहते हैं लॉकडाउन लग जाए आपकी इस लापरवाही की वजह। नहीं, तो मास्क लगाइए। एक सेकेंड, अभी परचेज करते हैं। तो ये परचेज करेंगे और तब लगाएंगे। घंटाघर वो इलाका जो बेहद व्यस्त रहता है, मैं आपको यहाँ से तस्वीर अगर दिखाऊं तो आप देखिए, आपको देखिए दो पहिया वाहन पर भी इस तरह के लोग जो हैं आते हुए नजर आएंगे। देखिए, एक एक तस्वीर बहुत जरूरी है, हम आपको इसलिए लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये जागरूकता की कोशिश हम जरूर कर रहे हैं कि हर कोई जो है वो नियमों को मान ले। साहब मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क ये है ना, तो लगाने के लिए ना। मास्क से बढ़िया रहा है। तो देखिए, लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवा सकते हैं, बता सकते हैं और जागरूकता की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मानना लोगों को ही है। सब एक रूल है, मास्क नहीं तो सामान नहीं, लेकिन आप तो सामान बेच रहे और मास्क आपने लगाया नहीं। सर अभी एक मिनट, गर्मी की वजह से नहीं लगा, अभी लगा रहे हैं। तो निश्चित है किसी को शर्मिंदा करना हमारा मकसद हालांकि नहीं है, लेकिन जब नाइट कर्फ्यू वाली बात आ गई है तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद जरूरी यही है कि सभी लोग नियम माने और इसी की जागरूकता जरूरी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़, 25 दिसंबर।